तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चीजें एकदम बिल्कुल ऐसे क्लियर होनी चाहिए ना आप लोगों को कि एक एक बात एकदम परफेक्ट बताओ कि हाँ ये चीज एक्चुअल में क्या होती है, किससे कहा जाता है। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में। उन टॉपिक्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, मगर थोड़ा ध्यान से, बारीकी से, और मैं जितना ज्यादा लेके जाना चाहता हूँ उतना डिटेल तक लेके जाऊंगा। एक्चुअल में आज की क्लास में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो मैं अभी आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से सुनना। ये पूरी क्लास के लिखे हुए नोट्स मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सुनिए, सिंपल वे में अगर हम देखें, मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों के दोनों ही रेस्ट पर हैं, रुके हुए, और मैं ऐसे में आपसे एक सवाल पूछूं कि बताना जरा दोनों में से कौन ज्यादा रेस्ट पर है और कौन कम रेस्ट पर, तो आप बोलोगे सर कैसी बात करें, दो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर है, उनमें किसी तरह का कोई ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि सर ये ऑब्जेक्ट ज्यादा रेस्ट पर है और ये ऑब्जेक्ट कम रेस्ट पर है। आप कहो तो या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रह सकता है या फिर वो रेस्ट पर नहीं होगा, तो वो किस में होगा, वो मोशन में होगा। मगर ये कहना तो बिल्कुल ही सेंसलेस है कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों रेस्ट पर है, बताओ कौन ज्यादा रेस्ट पर है। बिल्कुल ठीक है, ज्यादा रेस्ट पर कुछ नहीं होता, या तो रेस्ट पर होता है या फिर रेस्ट पर नहीं होता, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दो ऑब्जेक्ट्स और दोनों के दोनों ही किसके अंदर है, मोशन में, और ऐसे मैं पूछूं कि किसमें मोशन ज्यादा और किसमें मोशन कम है, तो आप बोलते हो हाँ, किस बात का सेंस बनता है कि दो चीजें अगर मोशन कर रही है तो हो सकता है कोई एक बहुत तेज चल रही हो और कोई एक धीरे चल रही हो, तो जो तेजी से जा रही होगी हम बोलेंगे उसमें मोशन ज्यादा नजर आ रहा है, और जो धीरे धीरे चल रही होगी उसमें मोशन कम नजर आएगा, और जो चल ही नहीं रही आप बोलेंगे सर उसमें तो मोशन है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्टों ने देखा, चीजों को ऑब्जर्व किया कि अगर दो चीजें रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, उनमें हम नहीं कह सकते कि कौन ज्यादा रेस्ट पर है कौन कम रेस्ट पर है, लेकिन अगर दो चीजें मोशन में है तो उनमें ये बताया जा सकता है कि कौन ज्यादा मोशन में है और कौन कम मोशन में, कौन तेज चल रहा है और कौन धीरे चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि सर ये आखिर कैसे बताया जा सकता है, कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा मोशन में है और कौन कम मोशन में, ये हम कैसे बताएंगे। तो साइंटिस्टों ने इसी बात को बताने के लिए ना एक टर्म बनाई, एक टर्म डिफाइन की, जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है या कितनी धीरे चल रहा है, या फिर वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। और जो टर्म ये काम करेगी, जो ये बताएगी कि कोई चीज कितनी तेजी से मूव कर रही है, कितनी तेजी से मोशन कर रही है, उसी टर्म का नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया स्पीड। इसी का नाम क्या रखा गया, स्पीड। तो इसका मतलब आज की क्लास का जो टॉपिक है पहला वो है स्पीड। कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज स्पीड, नहीं किसी को नहीं पता स्पीड किसे कहते हैं। चलो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइम रेट ऑफ, फिर से बोलिए, थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही, कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर दो, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सर स्पीड होती क्या है, किसे कहा जाता है स्पीड। देखिए आप लोगों ने स्पीड के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, और मुझे नहीं पता कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते, मेरा काम है मुझे ये पढ़ाना है क्योंकि हमारे चैप्टर का टॉपिक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सर ये सबसे पहले बात करते हैं आखिर स्पीड किसे कहा जाता है, What is speed? भाई distance को ही speed कहा जाता है। अब आप सोचोगे सर क्या बोल रहे हो, सोच के बोलो, distance को ही speed बोलते हैं। जी हाँ, distance को ही क्या कहा जाता है, speed कहा जाता है। मगर कौन सा distance? वो distance जो कोई भी object एक unit time में तय करता है, उस distance को हम लोग क्या बोलते हैं, speed। अब इसको जरा समझते हैं कि सर unit time का क्या मतलब है। देखो भाई, आप जब physics पढ़ोगे ना तो फिजिक्स में बार बार आपको ये शब्द मिलेगा यूनिट। फिजिक्स में यूनिट का एक मतलब होता है
वो ये होता है, वैसे फिजिक्स के अलावा और भी जगहों पर होता है, यूनिट का मतलब वन, एक। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि एक मार्कर है और इसका साइज मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, वैसे तो ये ज्यादा बड़ा है, तो अगर मैं इसको बोलूंगा तो मैं ये कहूंगा कि इसका साइज ना यूनिट सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को आप यूनिट सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ तो ये कहां जाके गिरेगा, नीचे जाकर के गिरेगा। जब ये नीचे जाके गिरेगा और सपोज कर लेते गिरने में इसे 1 सेकंड का वक्त लगा, तो मैं इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि इसे यूनिट सेकंड लगे ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने में। अगर मैं इसको उठाऊं और देखूं कि ये कितना हल्का है, कितना भारी है, या इसका मास कितना है, और अगर मान लो इसका मास 1 ग्राम का है, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि इसका मास यूनिट ग्राम्स। इसका मतलब है यूनिट शब्द का मतलब क्या हो गया, वन। अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट यूनिट मीटर है, तो आप समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरी हाइट 1 मीटर है, तो यूनिट का मतलब क्या हो गया, वन। तो अब सुनिए, व्हाट इज स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस तय करता है उसी डिस्टेंस को उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहा जाता है। स्पीड हमें ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी धीरे चल रहा है, या फिर वो रुका हुआ है, या मोशन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये काम किसका होता है, स्पीड का। तो इसका मतलब आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस तय करता है हम उसी डिस्टेंस को उसकी स्पीड कहते हैं। समझिए, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपके पास यहां पर एक कार है, ध्यान से देखिए, ये रेल की कार। अब ये कार ना एक रोड पर चलती हुई जा रही है, मैंने इस कार को देखा, ये कार चलते चलते स्टार्ट हुई और वहां से चलते चलते और यहां पर आकर के पहुंच गई, इस जगह पहुंच गई, ये कार यहां से चली यहां आकर के पहुंच गई। मान लीजिए आपकी कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज कर लीजिए वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, कार, और इस 50 मीटर के डिस्टेंस को तय करने में कार ने कितना वक्त लिया, 5 सेकंड का, 5 सेकंड। तो आप ये बोलोगे इसका मतलब ये हुआ कि कार ने 5 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। अच्छा, अगर 5 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस, तो कार ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया, 50 मीटर। बिल्कुल, इसके नीचे आ जाएगा 5, इसको कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ये जो 10 मीटर डिस्टेंस तय किया ना, यही स्पीड है। आप समझिए जरा, 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में, और मैंने क्या कहा था, 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस तय करते हैं उसी को स्पीड कहते हैं। तो 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, 1 सेकंड में 10 मीटर तय किया, इसीलिए लोगों ने इसे लिखना शुरू कर दिया 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितना डिस्टेंस, 10 मीटर। तभी तो बोलते हैं स्पीड कितनी है भाई तुम्हारी बाइक की, तो बंदा बताता है ना कि मेरी गाड़ी की स्पीड या मेरी साइकिल की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। तो आप इस 50 मीटर पर सेकंड का कुछ मतलब निकाल पा रहे हो अपने दिमाग में? तो जब भी कोई बोलते हैं ना 50 मीटर पर सेकंड, तो समझ लेना वो आपको ये बता रहा है कि मेरी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है कि वो हर सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस तय कर। अब कोई आपको बोले कि यार मैंने एक आदमी को देखा, वो बहुत तेज दौड़ रहा था और उसकी स्पीड थी 200 मीटर पर सेकंड, वैसे तो 200 मीटर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई आपको बोले कि गार्ड एक चीता है, उसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, तो आप देख के समझ सकते हो कि अच्छा 1 सेकंड में ये चीता 200 मीटर दूर भाग सकता है। मतलब आप स्पीड बताते वक्त कुछ नहीं बताते, डिस्टेंस ही बताते हो, मगर कौन सा डिस्टेंस जो आप 1 सेकंड में तय करते। इसी तरीके से आपने देखा होगा हमारे आसपास कई चीजें ऐसी होती है जिनकी स्पीड ना हम मीटर पर सेकंड में ना लिखने के बजाय किलोमीटर पर आवर में लिखना शुरू कर देते। जैसे मैंने बोला किसी गाड़ी की स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है, सर ये भी तो स्पीड ही है, बस फर्क कितना है यहाँ पर, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय किया गया वो है 50 किलोमीटर, और यहाँ पर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया गया, दैट इज 10 मीटर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यार स्पीड कुछ नहीं है, 1 सेकंड में या 1 घंटे में, यूं कहा जाए कि एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस तय करता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब 1 सेकंड में अगर मैं ज्यादा डिस्टेंस तय करूंगा तो मेरी स्पीड ज्यादा होगी, अगर मैं 1 सेकंड में कम डिस्टेंस तय करूं तो मेरी स्पीड कम होगी, और अगर 1 सेकंड में मैं डिस्टेंस तय ही ना करूं यहीं खड़ा रहूं। आपने मुझे अभी देखा, 1 सेकंड बाद फिर देखा, मैं यहीं पर था, तो आप बोलोगे सर आपने 1 सेकंड
डिस्टेंस तय नहीं किया, कितना डिस्टेंस तय किया, जीरो, तो आपकी स्पीड भी जीरो है, और जीरो स्पीड इसलिए क्योंकि मैं यहीं पे खड़ा हूं, अगर मैं चलता तो मैं डिस्टेंस तय करता। तो बस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा तो स्पीड ज्यादा, कम डिस्टेंस तय करेगा तो स्पीड कम, और डिस्टेंस ना तय करे तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। तो अब आप लोग बिल्कुल क्लियर है कि एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस तय करता है उसी को उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहा जाता है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला जी? आपने ये फॉर्मूला ऐसे पढ़ा होगा कि हमने ये सिखा रखा है कि स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू बताया जाता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअल में मैं किसी से पूछ लूं व्हाट इज स्पीड, तो बच्चे यही वाला फॉर्मूला बता देते, कह रहा सर ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला नहीं है भाई, यही तो इसकी डेफिनेशन है। मैं समझाता हूं तुम्हें, देखो मान लीजिए कार यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड के बजाय 30 सेकंड का वक्त लेती है, टी टाइम लेती, और टी टाइम के अंदर ये कार ने मान लीजिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, डी डिस्टेंस। तो इस कार ने टी टाइम के डी डिस्टेंस तय किया, तो एक टाइम में कितना डिस्टेंस तय करेगी ये कार, और एक यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस तय होगा उसी को स्पीड कहा जाएगा, और इसीलिए हम लोग स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, डी अपॉन टी, और स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी का मतलब है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कुछ नहीं, ये चीज यही से आई है, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस तय किया वही स्पीड है, इसीलिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट निकालो, तो आप बोलेंगे सर इसकी एसआई यूनिट निकालना बड़ा आसान है, ऊपर क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, नीचे क्या है टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो आप बोलेंगे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। और इसके अलावा जो दूसरी अदर यूनिट्स जो यूज कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही यूनिट यूज होगी, ये भी हो सकती है, बट 11th क्लास में हम ज्यादातर एसआई यूनिट के साथ भी डील करेंगे, तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब एक बात आती है कि क्या स्पीड कैसी, सॉरी स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर है या वेक्टर है। तो देखो भाई स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस, और ये क्या है टाइम, इसका मतलब है डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी स्केलर, इसका मतलब आप बोल सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। याद कीजिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं और स्केलर कैसे कहते हैं। अच्छा, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी तो हो सकता है। भाई मैं अगर यहाँ पर खड़ा रहूं और यहीं पे हूं सुबह से लेकर शाम तक, आपसे मैं पूछूं मेरा डिस्टेंस बताओ कितना है, तो आप बोलोगे सर आपका डिस्टेंस जीरो है क्योंकि आप तो यहां से चले ही, तो डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस। इसीलिए अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड भी कभी भी किसी भी चीज की नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, मगर कभी भी हमारी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, बट इट कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी सवाल करते वक्त स्पीड का आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो अब आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई कि स्पीड है क्या और डेफिनेशन क्या होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस तय करता है उसी को स्पीड कहा जाता है, और ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेंगी, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब सुनो ध्यान से, अब आपको लगेगा कि 11वीं क्लास में एग्जाम होगा तो हमसे एग्जाम में लिखने को मिलेगा स्पीड की डेफिनेशन लिखो, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डिफाइन स्पीड, क्योंकि आप 11th क्लास में साइंस ले चुके हैं और यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक बात है, मैक्सिमम चांसेस है कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो या ना तुम्हारे लिए जरूरी है स्पीड का पूरा क्लियरली मीनिंग दिमाग में समझ में आना पक्का परफेक्ट, आखिर स्पीड क्या होती है तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ताकि जब मैं आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊं तो तुम्हें दिक्कत बिल्कुल ना। तो डेफिनेशन जो नोट्स में लिखी है वो 2 ही लाइन की लिखी हुई और बस छोटी मोटी ये बातें, लेकिन ये सब एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको समझाने के लिए दिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर अब हम इसके आगे की बात करें।
ठीक है, मैं अभी सर अप करता हूँ और अब हम अगला। सर हाँ जी सर, मैं कह रहा था सर SI यूनिट मीटर पर सेकंड है, एक और यूनिट CGS भी कुछ होती है, मैंने पढ़ी थी, वो क्या होती है? भाई एक बात है सर, एक ना हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजर, उसके चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो वहां पर हम लोग ना यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि तीन चार तरह की यूनिट्स होती है, CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट, SI यूनिट, तो ये टॉपिक है, हम पढ़ेंगे उसके। वैसे एक CGS यूनिट होती है ऐसी यूनिट जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकंड, ऐसी यूनिट जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापते हैं, उसे बोलते हैं CGS। अभी आप इसके लिए परेशान मत हो क्योंकि ये टॉपिक है, हमें पढ़ना ही, तो जब हम पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में जाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ज्यादातर पूरी इलेवेंथ में ऐसा यूनिट को ही फोकस करेंगे। ओके सर, ठीक है जी। तो अब आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए कि स्पीड क्या होती है, किसे कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, अगली एक और टर्म समझते हैं। अब हमारे पास जो अगली टर्म आती है वो फिर से हम स्पीड ही पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे क्या स्पीड, लेकिन अब की बार वाली जो स्पीड होगी उसे बोला जाएगा क्या एवरेज स्पीड। अब बात करनी है हमें एवरेज स्पीड। सवाल ये होता है कि सर स्पीड जब हम पढ़ ही चुके हैं तो फिर ये एवरेज स्पीड क्यों पढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज ये है क्या, आप सुनना भाई जरा ध्यान से, एवरेज स्पीड ना स्पीड से कुछ ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। अब क्या है, करने का तरीका काफी हद तक सारी चीजें सेम है, कुछ दिक्कत नहीं, आपको इसकी डेफिनेशन भी किताबों में मिल जाएगी, लेकिन जरूरी है समझना कि सर ये स्पीड से ये एवरेज स्पीड कैसे अलग है और ये आखिर है क्या और कब हम इसे निकालेंगे। ठीक है, अपना अपना माइक और अपनी अपनी वीडियो ऑफ रखिएगा, ठीक है, आराम से। अब इधर ध्यान दीजिए, आखिर एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, क्या होती है। देखो भाई, सबसे पहले किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर लीजिए। दीदी को उठा जाओ पहले। सुनिए ध्यान से, अब सबसे पहले ना हम बात करते हैं जरा एवरेज, पहले हम एवरेज का डिस्कशन करते हैं फिर बात करते हैं। सुनो, आप लोगों ने ना छोटी क्लासेस में, छोटी का मतलब 9th में 10th में, सब में एवरेज के बारे में जरूर पढ़ा। मैं थोड़ा सा एवरेज के बारे में बताऊं, सिर्फ उतना जितना मेरे काम का है, मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा उसके लिए मैं अपने आप जो जो सही है वो मैं खुद ही बता दूंगा। अब सुनिए, एवरेज एक एग्जाम्पल से लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं, सपोज कर लेते हैं एक मेंबर है ए, दूसरा है बी, सी, डी और यहां पर ले लिया डी। इस फैमिली के पांचों मेंबर्स जो हैं, सभी मेंबर्स कुछ काम करते होंगे। ये मेंबर जो ए है, मान लीजिए ये काम करता है और इसको सैलरी 100 रुपए मिलती है, यानी कि 100 रुपए इसकी कमाई है, इनकम इसकी 100 रुपए है। मान लीजिए बी जो है उसकी इनकम 50 रुपए है, सी जो है उसकी इनकम सपोज कर लेते हैं 30 रुपीज है, डी जो है इसकी इनकम कितनी है 20 रुपीज है, और ई जो है घर का काम करता है, घरेलू काम, खाना बनाना, इस तरीके का कोई काम वगैरह, तो इसको कोई सैलरी नहीं मिलती, तो इसकी सैलरी कितनी है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई पूरी फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे सर आप सबको जोड़ दो आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। चलो जोड़ते हैं, 100 + 50 = 150, 150 + 30 = 180, 180 + 20 = 200, 200 + 0 = 200, आप बोलोगे सर पूरी फैमिली की टोटल इनकम 200 रुपीज। अच्छा, कितने फैमिली में, 5 मेंबर्स। अब 5 मेंबर्स मिल करके टोटल 200 रुपीज कमाते हैं, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये 200 रुपए पूरी फैमिली की इनकम है। मैं बोलूं कि यार हर एक बंदे के हिस्से में कितनी कितनी इनकम आ रही है, तो आप ये कहोगे कि सर 5 लोग मिलकर के 200 रुपीज कमाते हैं, हर एक बच्चे के हिस्से में, हर एक मेंबर के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, आप इस 200 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 40। तो ये जो 40 है ये इस फैमिली की एवरेज इनकम है। एवरेज मतलब कि टोटल इनकम जो है वो 200 रुपए, 5 लोगों की मिलाकर के 200 रुपीज इनकम है, तो इसका मतलब है एवरेज ही अगर देखा जाए, एवरेज के तौर पे देखा जाए तो हर मेंबर जो कमाता है वो कितने रुपए कमाता है, 40। अब इस 40 रुपीज का मतलब ये मत समझ लेना कि सच में ही हर एक मेंबर 40 रुपीज कमाता है। देखो इसकी सैलरी 100 रुपीज है,
मगर इसकी एवरेज सैलरी 40 रुपीज, इसकी सैलरी 50 रुपीज है, मगर एवरेज सैलरी 40 रुपीज है। ये तो कुछ भी नहीं कमाता, जीरो, लेकिन फिर भी इसकी एवरेज सैलरी आप क्या करोगे, 40 रुपीज ही करोगे। इसका मतलब ये एवरेज सैलरी का मतलब क्या हो गया कि हर एक के हिस्से में बराबर बराबर कितने पैसे आते हैं, हर एक के हिस्से में कितना अमाउंट आता है, यही क्या होता है उसका एवरेज। तो ये एवरेज के बारे में आप लोग जानते हो भाई, ऐसे ही तो होता है, कई चीजें होती हैं। हम लोग घर पर कोई सामान लाते हैं, कोई खाने की चीज, और कोई भी चीज खाने की आप लाए, सब में बराबर बराबर बांट दिया, तो इसका मतलब आपने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इतना सामान खाने के लिए लाया गया था, सबने इसको बांट लिया, मतलब हर एक के हिस्से में जो आया वो एक एवरेज आया है। तो ये एवरेज का एक मीनिंग समझाया। तो एवरेज का मतलब एक्चुअल नहीं होता। आप देख लो किसी की भी सैलरी 40 रुपए नहीं है, लेकिन एवरेज 40 आई है, तो एवरेज सैलरी 40 होने का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सभी की सैलरी 40 रुपए है। अब बात यह आती है कि सर एवरेज ठीक है, क्लियर हो गया, लेकिन ये एवरेज स्पीड ये क्या होती है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ एवरेज स्पीड आगे रहेगा। सुनिएगा, देखिए, समझना आपको बात क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये आपके पास एक रोड है, इस रोड पर आपने यहां से ना अपनी कार ली और आपने चलना स्टार्ट किया, कितने बजे चले आप, 9 बजे। भाई ऐसे में जो चीजें मैं बता रहा हूँ यही एक्चुअल फिजिक्स है, ठीक है, वरना डेफिनेशन आपको किताबों में मिल जाएगी, उनको सिर्फ रट लेने से आप क्लियर नहीं हो, लेकिन जो नोट्स में दूंगा उनमें डेफिनेशन ही दिखेगी। समझा मैं यहाँ पे, एक आदमी ने इस कार को लिया और चलना स्टार्ट किया, जहां पर एक दूसरा आदमी खड़ा है, वो आदमी इस इंसान का इंतजार कर रहे हैं कि भाई तुमने कहा था 9 बजे मैं चलूंगा और तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अब इसने बोला ठीक है 9 बज गए, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली, मैं बैठ गया, अब मैं तुम्हारी तरफ चलना स्टार्ट करूं और तुम तक थोड़ी देर बाद पहुंच जाऊंगा। अब इसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, रास्ते में देखा कि भाई रास्ता बड़ा खराब है, गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है बहुत ज्यादा, यहाँ का रास्ता बहुत बेकार है। अब इसने ना गाड़ी को बहुत स्लो स्पीड में चलाया, काफी स्लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लो, स्लो स्पीड में गाड़ी को चलाना पड़ा, क्यों, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था, काफी धीरे धीरे चला, कम स्पीड में चला, कितनी स्पीड में चला लिख देते हैं, 10 स्पीड में चला, 10 की स्पीड में गाड़ी को इसने चलाया। अब जैसे यहाँ पर पहुंचा, इसको रास्ता एकदम स्मूथ, एकदम साफ रास्ता मिला, अब की बार इसने गाड़ी को बहुत फास्ट चलाया, सपोज कर लीजिए कितनी फास्ट चलाया, चलिए 50 की स्पीड में चलाया इसने गाड़ी को, समझते जा रहा जरा क्या। रास्ते में चलते चलते एक जगह पर आया, वहां पर वो थक गया, अब थकने के बाद वो एक दुकान पर, एक कैंटीन पर बैठा, थोड़ी देर आराम किया, चाय बिस्किट नाश्ता वास्ता किया, और तब तक गाड़ी खड़ी थी, इसका मतलब इस टाइम तो मोशन में था ही नहीं, इस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी रही थी। अब इस बंदे का एकदम से फोन आ गया, भाई कहां गए, इतनी देर कैसे लग गई आपको। तो इसने फिर फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और फिर से बहुत फुल स्पीड में, मतलब यहाँ देखो फुल स्पीड, जितनी स्पीड वो कर सकता था उतनी स्पीड की, सपोज कर लीजिए 80 की स्पीड में वो इसके पास भागते भागते आया और गाड़ी यहाँ पर ला करके लगा दी, कितने बजे, 5। समझना है पूरी कहानी, सिचुएशन आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत होगी तो पूछे। आप मान लीजिए कि ये जो टोटल डिस्टेंस इसने तय किया वो 90 किलोमीटर का, सपोज कर लीजिए लिख दिया मैंने 90 किलोमीटर, तो ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने तय कर लिया। अब इस बंदे ने देखा कि यार ये ना 9 बजे चला था और 12 बजे मेरे पास पहुंच गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी को मुझ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 3 घंटे। भाई 9 बजे से 12 बजे तक कितना टाइम लगे, 3 घंटे लगे। अब ये टाइम 3 घंटे लगे और इसने देखा कि चलो देखें जरा डिस्टेंस कितना तय किया इसने, तो जी डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 90 किलोमीटर का, तो इसने बोला कि आपका डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। अब इसने सोचा चलो मैं इस आदमी की स्पीड निकाल देता हूँ, तो स्पीड का फॉर्मूला इसे पता था क्या, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसने, इसने स्पीड निकाली किसकी, इस आदमी की, ये कार से कितनी तेजी से, तो डिस्टेंस कितना था 90 किलोमीटर और टाइम कितना लगा इसको, 3 आवर्स। कट कीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 30, ऊपर क्या है किलोमीटर और नीचे आ गया पारा, तो ये बोलेगा जी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर। तो इस आदमी ने दूसरे वाले आदमी से बोला अच्छा भाई इसका मतलब तुम 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलते हुए आ रहे थे, ये साफ मना करेंगे, कह रहे नहीं भाई ऐसा कहां से हो गया, 30 किलोमीटर पर आर तो स्पीड मेरी कभी थी नहीं, तुम 30 किलोमीटर पर आर स्पीड मेरी बोल कैसे रहे हो, जब मैं घर से निकला तो रास्ता बड़ा खराब था, खराब रास्ते की वजह से मैं धीरे धीरे चला,
दस की स्पीड से, फिर उसके बाद रास्ता बहुत अच्छा दिखा साफ, तो मैंने इस गाड़ी थोड़ी तेज चलाई 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर मैंने काफी देर तक रेस्ट किया, आराम किया, तब तक तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं, तब गाड़ी की स्पीड कितनी थी, जीरो। फिर आपका फोन आ गया कि भाई जल्दी आओ, आप कहाँ रह गए, बहुत देर हो गई है। तब मैंने गाड़ी को बहुत तेज चलाया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद में आपके पास 12 बजे पहुंचा। यहाँ से लेके यहाँ तक तुम एक भी जगह दिखा दो जहां पर इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर नजर आई। आप बोलोगे सर कहीं पर भी नहीं है, तो फिर इसने क्या गलती कर दी भाई, इसने क्या गलती करी, इसने तो पूरे का पूरा डिस्टेंस लिया, पूरे का पूरा टाइम लिया, डिवाइड किया और स्पीड को कैलकुलेट करके बता दिया कि आपकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, और ये कह रहा है नहीं मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी। तो फिर अब ये गड़बड़ कहां हुई, गड़बड़ ऐसे हो रही है भाई कि इस पूरे के पूरे मोशन के दौरान इस आदमी की जो स्पीड थी वो कभी कॉन्स्टेंट रही ही नहीं, वो बार 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 क्या होती रही, बदलती रही। अब यहां से दो तरह की और स्पीड आ जाती है जिनका नाम हमारी वैसे किताब में नहीं लिखा, वो होती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, और एक होती है जिसे बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वो स्पीड जो हमेशा फिक्स रहे, कि आपने गाड़ी को 10 की स्पीड से चलाना शुरू किया, पूरे मोशन के दौरान आप 10 की स्पीड से चलते रहे, अगर पूरे मोशन के दौरान हमेशा आपकी स्पीड फिक्स है, हमेशा कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल सेम रहेगी, तो आप बोलोगे आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर आपकी स्पीड कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, बार बदलते जा रहे हो स्पीड को, तो आपकी जो स्पीड कही जाएगी वो बोलेंगे कि वो स्पीड जो है वो वेरिएबल स्पीड है, क्योंकि वो बदल रही है बार बार। तो इस आदमी की जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, कभी कम कभी ज्यादा। अब मैं तुझसे पूछूं कि बताना भाई कितनी स्पीड से आए थे, तो ये तुम्हें कोई एक स्पीड बता सकता है क्या कि जी 15 की स्पीड से आया, नहीं बता सकता। बोलेगा सर पहले धीरे चल रहा था, फिर मैंने तेज चलाई, फिर मैं रुका भी रहा, फिर मैंने और तेज चलाई गाड़ी, बार 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 स्पीड बदलते हुए आया। तो इस आदमी ने क्या कहा कि भाई मुझे नहीं पता आप कौन सी स्पीड से आए हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आपने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में तय किया, इसका मतलब आप जरूर हर घंटे में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के हिसाब से आए। मतलब अगर तुमसे कोई बोले कि तुमने 3 घंटे में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने 3 आवर्स में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, तो इसका मतलब ये ही हुआ, इसका मतलब ये निकल रहा है कि यानी कि ये आदमी हर घंटे में 30 किलोमीटर, हर घंटे में 30 किलोमीटर की स्पीड से चलते हुए आ रहा है, यानी कि ये इसकी एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये इसकी एवरेज स्पीड है, कि एवरेजली एक एक घंटे में 30-30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बन गई, ये है उसकी एवरेज स्पीड। तो याद रखना, अगर मैं कभी भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड बताऊं, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो उसकी एक्चुअल स्पीड है। एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड हो सकती है, कब होगी हम बात करेंगे उसके बारे में, जब उसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी तब होती है, मैं बताऊंगा बाद में इसके बारे में, लेकिन एक्चुअल में ये होगी एवरेज। तो आपको एक सेंस क्लियर, व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब ये हो गया कि ये वो स्पीड है जिससे कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह तक चलेगा तो कितनी स्पीड के हिसाब से चलेगा। मीनिंग इसका यही निकल के आता है सिंपल वे में कि इस आदमी ने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 आवर्स में कवर किया, इसका मतलब कि ये आदमी पर आवर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए आ रहा है, पहले एक घंटे में 30, फिर अगले एक घंटे में 30, फिर अगले एक घंटे में 30, जबकि ऐसा रियल में नहीं है। तो ये हमने एक एवरेज लिया है कि इसका मतलब हर घंटे में ये इतना इतना डिस्टेंस तय करते हुए आ रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। अब एक बात ये आती है कि अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें कोई मतलब नहीं है कि आदमी कितनी स्पीड से चला कितनी स्पीड से नहीं चला, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कितना डिस्टेंस तय किया टोटल, कितना टाइम लगा टोटल। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको जो स्पीड मिलेगी आप उसी को क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड। इसीलिए अब अगर मैं लिखूं यहां पर तो मैं इस जगह पर लिख सकता हूं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। लिखो या याद करो मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था कि डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो दोनों का, तो आप इसे चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या, दैट इज टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ का मतलब भी डिस्टेंस होता है, अपॉन में आप यहां पर क्या लिखेंगे, दैट इज टोटल टाइम टेकन। तो
ये आपके पास हो गया टोटल टाइम निकल, तो ये मेरे पास आ गया एवरेज स्पीड को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टोटल टाइम टेक। अच्छा ये तो स्पीड ही है ना, तो इसकी यूनिट वही रहेगी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी हमेशा पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो का ही सेंस में आपको समझाऊंगा, जीरो तो तभी बोल सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट चले ना, अगर वो चला है तो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी इसका मतलब कहने का ये है कि सारी चीजें वो स्पीड वाली रहेंगी, बस ये होगी एवरेज स्पीड। अब बात करती कि सर अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछे कि लिखो एवरेज स्पीड, डिफाइन करो क्या होती है, कैसे डिफाइन कैसे करेंगे हम इस चीज को, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऊपर क्या लिखा है टोटल पाथ लेंथ और नीचे क्या लिखा है टोटल टाइम टेकन। आपको ये चीज पता है, अगर मैं आपको बोलूँ ऊपर ए लिखा और नीचे बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, आप इसे बोल सकते हो सर ये ए अपॉन बी लिखा है, या आप बोलोगे डिवाइड करने पर क्या आता है, डिवाइड करने पर रेशियो आता है, रेशियो इसका मतलब ये ए रेशियो बी ही तो है, ए अपॉन बी को ही तो लिखते हैं ए रेशियो। तो आप एक तरह से देखिए तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड क्या है, कुछ नहीं ये तो रेशियो है किसका, टोटल पाथ लेंथ का और टोटल टाइम का, बस इसी रेशियो, इसी का जो रेशियो आता है वही एवरेज स्पीड है। तो अब आप डेफिनेशन क्या देंगे ध्यान से सुनो, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल पाथ लेंथ और टोटल टाइम टेकन इनका जो रेशियो होता है यही क्या होती है हमारे एवरेज स्पीड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके असाइनमेंट मीटर पर सेकंड होती है। ये बात सभी के लिए क्लियर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे की बात। चलिए अब हम इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड भी बताया, अगर स्पीड हमेशा सेम है तो वो होती है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो अब हम इसके आगे की बात को समझना शुरू करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि यार अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी आदमी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चले, फिक्स स्पीड से चले, आपने अपनी गाड़ी की स्पीड 50 कर ली और 50 की स्पीड से चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, स्पीड में ना तो बढ़ा रहे हो ना तो, हाँ पूछे आयुष क्या पूछो। सर आवाज नहीं आ रही थी सर दो मिनट पहले, इसलिए आवाज इसलिए रिजाइन किया था। अच्छा, अब आ रही है, अब आई है, ठीक ठीक ओके ठीक। अच्छा सुनिए मैं आपको बस एक बात बताऊं, मान लीजिए आप एक कार चला रहे और आपकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर, आपने पूरे मोशन के दौरान जिस रास्ते पर आप चलते गए आपने अपनी स्पीड हमेशा 50 किलोमीटर पर आ रही रखी, ना कम की ना ज्यादा की, कांस्टेंट स्पीड रखी आप बिल्कुल फिक्स। तो अगर आपकी स्पीड एकदम फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, वो बदले ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी एवरेज स्पीड और आपकी एक्चुअल स्पीड सेम है। आप कभी देख लीजिए, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझेंगे इस बात। तो इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम ज्यादा हो रही है, बार बार बदल रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड अलग आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है तो आप उसकी एवरेज स्पीड देखो या उसकी एक्चुअल स्पीड देखो, दोनों की दोनों स्पीड कैसे है, बिल्कुल बराबर। काफी सारी बातें हमें न्यूमेरिकल से पता चलती है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। अब बात आती है कि सर हमने स्पीड जान ली, मैं आपको चार तरह की स्पीड के बारे में बता चुका, दो ही तरह की स्पीड हमें मेनली जाननी थी। पहला एक तो हम स्पीड के बारे में बात कर चुके, फिर हमने बात कर ली वेरिएबल स्पीड की, फिर बात कर ली हमने यूनिफॉर्म स्पीड की, और फिर बात कर ली अभी भी एवरेज स्पीड की। एक और स्पीड है जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी वो आपको समझ में नहीं आएगी। अब सुनिए, अब बात आती है अगले टॉपिक की जिसका नाम है क्या, वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। हां हां स्पीड विद डायरेक्शन, और कोई दूसरा बच्चा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सीखने वाला बोल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है भाई,
ओके कोई नहीं, अब आप अपना अपना माइक क्लोज कर दीजिए। अब हम जरा समझते हैं ये कहानी है क्या। देखना भाई ये सारी चीजें जो स्पीड वेलोसिटी सब पढ़ा, ये 10 मिनट में सारा खत्म हो सकता है, लेकिन उस 10 मिनट में सिर्फ तुम डेफिनेशन याद करके लिख सकते हो, क्लियर नहीं कर पाओगे। अब सुन, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि सर कोई चीज इतनी तेज चल रही है इसके लिए हमारे पास स्पीड है तो हमें वेलोसिटी की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ रहे वेलोसिटी। आप लोगों से वेलोसिटी और स्पीड में मेनली फर्क पूछा जाए बहुत ज्यादा तो शायद कई लोगों को फर्क पता हो, लेकिन मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ वो बोलते नहीं सर हमें ना एक्चुअल में नहीं पता कि यार स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी में तो बताते हैं कोई चीज कितनी तेज चल रही है, स्पीड भी तो बताता है कोई चीज कितनी तेज चल रही है। जब स्पीड है हमारे पास ये पता करने के लिए कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है तो फिर वेलोसिटी क्यों और ये स्पीड से अलग है तो क्यों है, क्या बताती है अलग एक्स्ट्रा। एक बच्चे ने अभी जवाब दिया, हाँ बोलो सर इसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के पास। ओके हाँ ये बात बिल्कुल सही हो गया, एकदम सही है। चलिए ठीक है, अब हम एक काम करते हैं जरा समझते हैं इस बात, ठीक है कोई बात नहीं भाई बहुत बढ़िया, आप लोगों से पता बिल्कुल सही बात। अब हम जरा इसकी कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जान लेते हैं कि सबसे पहले कि आखिर वेलोसिटी किसे कहा जाता है और क्या कहानी है इसकी। देखिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ये एक रोड है, ठीक है, इस रोड के ऊपर एक आदमी ने फिर से अपनी कार ली और यहां से चलना स्टार्ट किया। समझते चलिए ये रहा एक आदमी, 9 बजे खड़ा हुआ और चलना स्टार्ट करेगा इस तरफ कहां जाना चाहता है, अपने किसी दोस्त के पास जो इसका इंतजार कर। पता है ये इन एग्जांपल से ना हमें क्लियर हो जाती है बातें अच्छे ये क्या है, ठीक है। सुन अब इसने अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और गाड़ी चलाते हुए जब देखा तो आगे इसको पता चला कि बहुत बड़ा एक गड्ढा है, उस गड्ढे में पानी भरा हुआ है। सुनते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से, पानी भरा हुआ। अब ये पानी भरा हुआ रास्ते में यहाँ पहुंच के इसको फोन किया, बोला यार रास्ते में तो पानी भरा हुआ बहुत बड़ा गड्ढा है, इतना कम से कम 1 किलोमीटर लंबे रास्ते पर पूरे का पूरा पानी पानी भरा हुआ है, क्या करूं। इसने कहा ऐसा कर साइड से घूम के आ जा। इसने बोला ठीक है सर मैं साइड से घूम के आ जाता हूँ। अब साइड से जब ये घूमने के लिए गया तो इतना लंबा रास्ता घूम करके इसे यहाँ तक आना पड़ा। ध्यान से देखिए इतना लंबा रास्ता घूमा और घूम करके इसे यहाँ तक आना पड़ा और यहाँ भी नहीं पहुंचा, फिर इसे घूम करके यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि अब इसका दूसरा रास्ता यूं बन गया। समझ लीजिए ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो यहाँ से गया घूमा घूम करके यूं आया और यहाँ पर पहुंचा और फिर यहाँ से सीधा रोड लेकर के फिर सीधा इसके पास पहुंच जाए। समझना चाहते हैं इस रास्ते से जाएगा। अब इस बंदे ने जब फोन करके इसको बताया कि भाई रास्ता खराब है पानी भरा हुआ है क्या करूं, तो इसने बोला भाई जो गड्ढा है जहां पानी भरा उसके किनारे से घूम करके और फिर मेरे पास पहुंच जा। इसने कहा ठीक है। अब ये बंदा 9 बजे चला और यहां से इतना लंबा रास्ता तय करते करते यहां पर पहुंचा और यहां पर पहुंचते पहुंचते इसको 12 बजे, मतलब कितना टाइम लग गया इसको, 3 घंटे। इस बंदे ने फोन किया, समझना ध्यान से, और इससे पूछा भाई कहां पहुंचा। कह रहे यार अभी तो मैं बहुत पास में हूँ, घर के पास में हूँ, अभी ज्यादा पास अभी ज्यादा दूर नहीं घर के पास। ध्यान से सुनो यहाँ पहुंच गया 12 बजे। इसने बोला है क्या कर रहा है भाई तू 9 बजे का सुबह निकला हुआ है 12 बज गए हैं तू अभी तक वहीं पर पहुंचा हुआ है, बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है क्या। ये बोलेगा नहीं यार गाड़ी तो मैं बहुत तेज चला रहा हूँ, कितनी स्पीड से चला रही गाड़ी। इसने कहा सर मैं 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ। ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम, 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और कह रहे हो अभी मैं घर के पास हूँ, मैं कैसे मान लू तुम झूठ बोल रहे हो, 80 की स्पीड से गाड़ी चला के तो मेरे तक पहुंचाना चाहिए था तुम्हें, 3 घंटे हुए इतनी देर में तो पहुंचाते लोग आराम से। अब एक बात बताओ ये सच में 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, अब मैं ये बोलूं कि ये बहुत तेज गाड़ी चला रहा है तो क्या वो गाड़ी तेज चला रहा है तो मेरे पास पहुंच जाना चाहिए था इसको, क्या इस बात का सेंस समझ में आ रहा है। अब इसके गाड़ी तेज चलाने से इसकी स्पीड से इसका पहुंचने का स्पीड से अब लेना देना बहुत कम रह गया है, क्यों, क्योंकि अब की बार ये भले ही डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है लेकिन याद रखना ये जहां से चला था जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी और जो इसकी फाइनल पोजीशन थी उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है जो पोजीशन में चेंज हुआ है बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है इसकी पोजीशन, थोड़ा सा, स्पीड अभी भी ज्यादा है
डिस्टेंस बहुत लंबा है मगर चेंज इन पोजीशन बहुत थोड़ा है। जिन्होंने डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक पढ़ा है उनको पता है कि पोजीशन में चेंज का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पर तुम्हारा डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता। एक तरह से देखा जाए तो इस केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगे गाड़ी ये रही, मैं भले कितना लंबा रास्ता घूम के आया हूँ लेकिन मैं अभी भी अपने घर के पास ही हूँ, नजदीक ही हूँ। तो देखने वाला बंदा यही बोलेगा मुझे क्या पता तुम कितना लंबा रास्ता घूम के आओ, मेरे लिए तो मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने बस यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि तुमने सिर्फ 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया और उस 5 मीटर के डिस्टेंस में तुमने 3 घंटे लगा दिए। एक तरह से बोला जाए तो ये अपने यहाँ से 5 ही मीटर तो दूर आया। तो इसका मतलब जो 5 मीटर था ये 5 मीटर क्या है, ये 5 मीटर क्या है, ये इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। आप बोलोगे गाड़ी कहीं पे भी घुमाए लेकिन बस मुझे ये पता चला कि इसने कार को घुमाया और थोड़े बाद कार यहाँ पर थी, मतलब ये अपनी जगह से 5 मीटर की पोजिशन चेंज कर चुका है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टाइम कितना लगा, 3 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बात होगी ना वो डिस्टेंस की टर्म्स में नहीं कर सकते, अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में कि कितनी भी गाड़ी चलाए, कितना भी दूर जाए, कितना भी लंबा रास्ता तय करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह देखना होगा कि टाइम के साथ इसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। अगर मान लो ये यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद फिर यूं गया, फिर ऐसे घूमा और फिर घूम करके फिर इस रास्ते पर पहुंचा और फिर यूं जाने लग गया, तो आप बोलोगे यार इसने तो बड़ा लंबा डिस्टेंस तय किया बड़ी स्पीड में, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ से चला और इतनी देर बाद यही पहुंचा, तो इसकी पोजीशन में चेंज कितना है, बहुत थोड़ा सा, जरा सा ही तो चेंज आया पोजीशन में। भले इसकी स्पीड बहुत तेज है तो क्या हुआ, रास्ता कितना भी लंबा तय किया हो तो क्या फर्क पड़ता है। अब ये बंदा बोलेगा इसका मतलब मुझे ना तुम्हारे डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है, मुझे इस बात से लेना देना है कि तुम्हारी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन टाइम के साथ अगर ज्यादा चेंज होगी और पोजीशन में चेंज का मतलब कितनी पोजीशन चेंज हुई है वो कौन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अब ये बंदा ये बोलेगा कि मुझे अपना डिस्प्लेसमेंट बता कि तू 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। अब मान लो ये बंदा घूम गया और घूम करके वापस फिर वही पहुंच जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। तो ये बोलेगा मेरा 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। तो अब आपको कुछ बात समझ में आ रही थी कि इस बार स्पीड का कुछ लेना देना नहीं है, स्पीड से तुम तेज भले ही चलोगे लेकिन बात इस चीज की आती है कि जहां से तुमने शुरुआत की थी वहां से तुम कितनी दूर पहुंचे हो, कितनी तेजी से उस जगह से अपनी पोजीशन चेंज करते हुए अपनी जगह से कितनी तेजी से दूर जा रहे हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अपनी जगह से कितनी तेजी से पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसी चेंज इन पोजीशन को नापने के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी। तो फिर सवाल यह है अच्छा वेलोसिटी को अगर हमें पढ़ना है तो फिर हम कैसे डिफाइन करें व्हाट इज वेलोसिटी। तो हमने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या जितना पोजीशन को चेंज करता है उसी को हम उस ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी कि मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट ने टी टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट डीएसपी लिख दिया, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट टाइम। तो अब आप बोलेंगे यही हमारे वेलोसिटी बन गए, इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ लिख देता हूँ क्या, velocity is equal to what, that is equal to displacement upon the calculation of this is time. So इसी वजह से अब speed में अब हमें velocity देखने को कि अपनी जगह से वो कितनी तेजी से position change कर रहा है, तो what time लगा वो यहाँ पहुँचने, लेकिन आप सिर्फ इतना बोलोगे 3 घंटे में बस इसकी position इतनी change हुई, फिर उसके बाद यहाँ से start किया ऊपर गया नीचे गया घूम के आया, फिर आप अगर मान लो 5 घंटे लग गए तो आप बोलोगे सर 5 घंटे में कहीं इतनी सी पोजिशन चेंज हुई, मतलब सिर्फ इतना सा ही फास्ट पहुंचा इसके, तो इस बार डिस्टेंस नहीं देखना है, इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो बस सिंपल वे में अगर बोला जाए व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप बोल सकते हैं एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसी को उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहते हैं, किसी एक गिवन डायरेक्शन में, किसी एक फिक्स डायरेक्शन। अब ये आदमी भले ही किसी भी तरफ जाने की कोशिश कर लेकिन इसका मेन मोटिव है उस डायरेक्शन में पहुंचना, इसका मतलब है उस डायरेक्शन में धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और करते करते कभी ना कभी यहाँ पर आकर के पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ये होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन विद टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अगर देखी जाए तो वो क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेकंड। तो आप बोल सकते हैं इसका मतलब कि वेलोसिटी की जो यूनिट हुई वो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में।
अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, आप इसे लिखेंगे एक इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो भाई अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा बाद में कि पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मीनिंग निकलता है, नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब निकलता है, और जीरो वेलोसिटी का मतलब तो वही होता है कि भाई वो बंदा अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहा, बार बार घूम के वहीं पर आ जाता है, तो हर बार उसका उसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो कितनी होती जा रही है। हम बात करें तीनों के बारे में, ढंग से डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में ग्राफ वगैरह सब बना करके इसको समझाऊंगा। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, एक यूनिट टाइम। अच्छा, कई जन इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी इन अ फिक्स डायरेक्शन या इन अ गिवन डायरेक्शन। कितनी तेजी से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और इसकी इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना नोट्स में इसकी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। चलिए मैं अभी सेट अप कर रहा हूं, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई बात। अब फिर से एक वेलोसिटी हो सकती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक हो सकती है वेरिएबल वेलोसिटी, बार बार बदलती जा रही वेलोसिटी, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अब हमें जो बात करनी है वो किसकी करनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो यार एवरेज वाली बात हम पहले कर चुके थे, मैंने आपको समझा दिया जिस तरीके से हमने एवरेज स्पीड को समझा था, ठीक वैसे ही अब क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। और ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाकी सबके अंदर, तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर कोई बोले एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ क्या बोले, तो आप इस तरीके से फिर से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। देखो एवरेज वेलोसिटी इस जगह पर लिख देता हूँ, a का मतलब हो गया एवरेज और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप इसे लिख दो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, इसे आप टोटल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, मैं देखता हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल एवरेज स्पीड की तरह ही एकदम, वहां डिस्टेंस था यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कोई तो चेंज इन पोजिशन बोलते हैं, या तो आप बोलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट या बोलिए डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन टू द टोटल टाइम टेकन इन विच दिस चेंज हैपेंस। यानी कि आप सिंपल वे में बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और द चेंज इन पोजिशन टू द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच दिस चेंज हैपेंस। बस इसी चीज को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है, और इसके ऐसा यूनिट फिर से क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अच्छा देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन निकाल करके दिखाता हूँ, समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, आपको ये पता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी एक जगह से नापते हैं। मान लीजिए ये रहा ओरिजिन, मैं इस ओरिजिन से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को नापूं। भाई कोई तो जगह चाहिए ना जहां से तुम नाप सको कि कोई कार कितनी दूर है, कितनी पास है। तो ये रहा ओरिजिन, सपोज कर लीजिए कि किसी टाइम पर यहाँ पर पॉइंट ए है, किसी टाइम T1 पर, जब टाइम कितना होता है T1, आपका ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी किसी पॉइंट A पर थी, जब ये A पर थी तब इसकी पोजीशन हमने नापी
तो इसकी पोजीशन क्या थी, एक्स वाई। कुछ देर बाद जब आपकी घड़ी में टाइम बदल करके टी टू हो गया, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पॉइंट टी पे पहुंच गया। अब आपके इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बदल गई, और अब आपकी पोजीशन x1 से बदल करके कितनी हो गई, x2। तो इसका मतलब पहले आपकी पोजीशन x1 थी जब टाइम t1 था, बाद में ऑब्जेक्ट की पोजीशन x2 हो गई और जब टाइम कितना हो गया t2। और अब मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो v के साथ ऊपर ऐसा निशान डाल दोगे, इसका मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट। याद करो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, यही तो चेंज इन पोजीशन को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ए से कहां तक पहुंच गया, बी तक, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आप बोलोगे सर ए बी। कैसे निकालें इसको, मैंने पढ़ाया जब डिस्प्लेसमेंट बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। भाई अगर मुझे निकालना है तो इसमें से इसे माइनस कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये पूरा क्या है, एक्स टू, और ये कितना है, एक्स वन। मैंने दोनों को माइनस कर दिया, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। अब अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखेंगे टाइम। तो अगर हम टाइम की बात करें तो समझिए जरा टाइम को कैसे निकालेंगे। अच्छा मान लो अगर यहाँ 10 बज रहे होते और यहाँ बज रहे होते 12, मैं बोलता हूँ कितना टाइम लगा, तो आप बोलते सर ये 12 माइनस 10 कितना बचेगा, 2। आप बोलोगे सर 2 आवर्स लगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर टाइम टी वन है और यहाँ पर टाइम टी टू है, और मैं बोलूँ कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे टी टू माइनस टी वन, जो बचेगा वही आपका टाइम आ जाएगा। तो कितना टाइम लगा, टी टू माइनस टी वन। मैंने यहां से किया, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, और नीचे से क्या लिख दिया टाइम। आपको मैंने बताया था फिजिक्स में जब भी हम दो चीजों को माइनस करते हैं, चेंज निकालते हैं, तो चेंज को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा। अब ये चेंज किसमें है, एक्स में, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। मतलब ये मान रहे हैं कि एक्स टू में से एक्स वन माइनस करने पर तो बचेगा, जो बचेगा वो मैंने डेल्टा एक्स मान लिया। ऐसे ही टी टू में से टी वन को माइनस करने पर जो बचेगा उसको मैंने क्या मान लिया, डेल्टा टी। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें नजर आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक आसान सा फॉर्मूला है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसकी मदद से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, ये वेलोसिटी के ऊपर आपने जो ये डाला हुआ है डंडा, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी है ना। हाँ, जब भी आपको फिजिक्स में जनरली मान लो मैंने यहाँ ए लिखा, ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है, हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसा निशान डल गया, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। और कई जगह इसको ऐसे लिख देते हैं ए, और नीचे छोटा सा ए भी लिख देते हैं, ए बी का मतलब मान लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये डंडे का मतलब है, जो इसके ऊपर मैंने लाइन डाल रखी है, जो बार का निशान है, इसी का मतलब है कि ये दिखा रहा है कि ये वेलोसिटी नहीं, ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, यहां तक की बात सबके लिए क्लियर है आई थिंक। अब हम सर एक छोटा सा सवाल करते हैं, हमारी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, हम उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उस न्यूमेरिकल को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं कि उस सवाल से हमें क्या क्या बातें पता चल सकती। देखिए, मैं आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.1 स्टार्ट करूं, एग्जाम्पल नंबर 3.1। अब देखिए सर, एग्जाम्पल नंबर 3.1 क्या है, सुन। सवाल में लिखा है ए कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कह रहे एक कार जो है वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर से ओ पी, ओ से शुरू करके पी तक, इन फिगर 3.1। एक फिगर की मैंने बुक के अंदर 3.1, मैं वो फिगर आप लोगों के सामने पहले ड्रॉ कर दूं, फिर हम सवाल शुरू। इस तरीके से अब यहाँ पर जो फिगर ड्रॉ हो गया उसमें इस जगह पर इस पॉइंट का नाम है O, इसका नाम है O, और उसके बाद इसमें हमें डिस्टेंसेस दे रखे हैं, यहाँ 0, ये है 40, फिर इसके बाद 80, दिस इज 120, दिस इज 160, दिस इज 200,
this is 240, this is 280. This is 320, this is 360, and this is 400. इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ ये आपकी x-axis है और ये जो distances दे रखे हैं वो किसमें दे रखे हैं? Meters में दे रखे हैं। यहाँ पर आपके पास एक point है O, यहाँ पर एक point है Q, और 360 पर एक point है कौन सा? That is P। आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, ये Q पॉइंट यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ। ये लिखा है यहाँ पे Q है और इस जगह पर जो पॉइंट है वो कौन सा है? सबको दिख रहा होगा पॉइंट Q और P। अब सवाल शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे? फिर से सवाल पढ़ना है। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक कार एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रही है। से OP, O से लेकर के P तक, O से P तक जा रही है आपकी गाड़ी। It moves from O to P in 18 seconds. आपकी जो कार है वो O से लेके P तक 18 सेकंड में पहुंच जाती है। इनके P1 is equal to 18 seconds. मैंने यहाँ लिख दिया T1 18 seconds. Seconds के लिए मैं S लिखूँ सर। 18 seconds में. And returns from P to Q in 6 seconds. और फिर P से वो वापस Q तक आ जाती है गाड़ी कितनी देर में? 6 सेकंड में। यानी कि दूसरा जो टाइम हो गया है 6 seconds. What are average velocity and average speed of the car? आपको बताना है कार की average velocity और average speed क्या होगी? दो सवाल पूछे मैं इसके अंदर, दो पार्ट दे रखे हैं, मैं इसमें तीन पार्ट आपको कराऊंगा। सबसे पहला सवाल है नंबर एक, पहला क्वेश्चन बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। अगर आपकी कार ओ से कहां तक जाती है? पी तक। ये पहला सवाल। दूसरे सवाल में बोला गया कि फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। अब आपकी कार ओ से पी तक गई और फिर पीछे लौट करके वापस क्यू तक आई तब पे इसमें। और एक तीसरा वाला पार्ट मैं आपको खुद डेवलप करने के लिए मैं खुद करवा दूं एक्स्ट्रा। ओ से लेकर के आपका आपकी कार पी तक गई और फिर पीछे वापस क्यू तक आई। आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बतानी है हर एक केस के। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, समझना जरा ध्यान से। देखिए सवाल को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सवाल में बोला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, O पॉइंट से चला और चलते 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 Q पे पहुंचा फिर P पे पहुंचे, इस तरीके का मोशन है। इन्होंने बोला एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालो। नंबर एक पहले सवाल के लिए, अगर आपकी कार O से P तक जाती है तो चलो O से P तक जाती है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखो भाई A का मतलब हो गया एवरेज और वेलोसिटी तो ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही तो है हमारे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप उनके एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखिए सर, ओ से आपकी कार चली और कहां तक पहुंची? पी तक। तो ओ पे क्या था? जीरो। और पी पे कितना लिखा है? 360। मैं पूछू कितना डिस्प्लेसमेंट है तो आप बोलोगे सर 360 डिस्प्लेसमेंट। भाई आप 0 से 360 पे पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट ही जो है वो कितना हो गया? वो हो गया 360। और O से P तक जाने में टाइम कितना लगा? 18 सेकंड। सवाल लिखा हुआ यहाँ मीटर और ये लगा 18 सेकंड्स। 18 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो आप बोलेंगे आपका आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड होगी प्लस का, क्योंकि आप आगे की तरफ जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो आप बोलेंगे सर एवरेज वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। चलो अब एक काम करते हैं, निकालते हैं एवरेज स्पीड। हम जानते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, या फिर बोल दीजिए टोटल पाथ लेंथ, एक ही बात है, अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस तय किया अपॉन में कितना टाइम लगा। तो कितना डिस्टेंस तय किया? ओ से चले और कहां तक पहुंचे? पी तक। तो O से P तक का डिस्टेंस कितना है जी? O से P तक का डिस्टेंस भी 360 है। और O से P तक जाने में टाइम कितना लगा? सवाल में दे रखा है 18 सेकंड्स, तो मैंने इसको लिख दिया 18 सेकंड्स। इसे फिर से कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आपका पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया, वो
वो ये है कि हमारी एवरेज वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड आ गई और एवरेज स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड ही आ गई। ये बात सभी के लिए। अब ये आता है सवाल नंबर बी। मैं बी पार्ट थोड़ा इधर करके कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी में हमसे बोला है अगर आपकी कार ओ से पी तक जाती है और फिर पी से लौट करके क्यू तक आती है। देखिए ओ से स्टार्ट करा कार चलना स्टार्ट किया पी तक पहुंची फिर बी से वापस लौटी और कहां आके रुकी क्यू। तो इसलिए ओ से पी और फिर पी से लौट करके क्यू। कह रहे आप बताओ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी है। तो मैं अब यहां पर लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी। अब मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, पता तो है डिस्प्लेसमेंट ही तो लिखना है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल और इनिशियल पोजिशन के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है उसी के डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप ओ से चले कहां तक गए पी तक, फिर पी से कहां पे आ गए आप इस क्यू पर आ गए। तो आप बोलोगे सर ओ से पी फिर पी से क्यू, मतलब ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल, तो इसका मतलब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है जी 240 पर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 240 मीटर। और आपको कितना टाइम लगा वो भी देखना पड़ेगा। तो आप इसको एक काम कीजिए ऐसे ना लिखने के बजाय इस तरह से लिख देते हैं ताकि साफ साफ पता चले कि ओ से चले पी पर गए फिर क्यू पे पहुंचे, तो ओ से क्यू तक जो है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने दिया ओ क्यू, ये डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम कितना लगा देखो, अब क्यू तक पहुंचने में टाइम क्या लगा, पहले ओ से पी तक गए तो कितना टाइम लगा टी, फिर पी से क्यू तक वापिस आए तो फिर कितना टाइम लगा टी। तो इसका मतलब टोटल जो टाइम लगा वो लगा टी वन प्लस टी टू, दोनों टाइम लग गया फिर वापिस आया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ओ से क्यू तक के बीच का जो डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट है वो कितना, दैट इज 240, और टी वन कितना है 18 और टी टू कितना है 6। तो आप यहां पर लिखेंगे क्या 18 और प्लस में से लिख दीजिए 6, तो आपका ये रिजल्ट है 240 डिवाइडेड बाय 24, इससे कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहां लिख देते कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, इतना ही आप आपके एवरेज वेलोसिटी। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा ओ से पी तक गए फिर पी से क्यू तक, तो आप बोलोगे सर पहले तो ओ से पी तक गए ये डिस्टेंस तय किया हमने, फिर पी से वापिस क्यू तक आए तो फिर से डिस्टेंस तय किया पी से लेके क्यू तक। इसका मतलब ओ से पी तक गए तो कितना टाइम लगा टी वन, तो मैंने यहाँ लिख दिया टी वन टाइम लगा, फिर पी से क्यू तक अब कितना टाइम लगा तो जी अब टाइम और लग गया। तो अब आप बोलोगे चलो ओ पी की वैल्यू रखो, ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस कितना है 360, तो मैंने ओ पी की जगह ओ पी की वैल्यू 360 रख दी। पी से क्यू, अच्छा देखो पी कितना है 360, क्यू कितना है 240, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना तो 360 में से 240 माइनस कर दो कितना बचेगा 120। तो आप बोलोगे सर पी क्यू की वैल्यू 120 आ गई। टी वन कितना टाइम लगा था 18 सेकेंड्स, टी टू कितना टाइम लगा था 6 सेकेंड्स, तो आप इसे ऐड कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0, और 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 1 कितना हो गया 4, 480 डिवाइडेड बाय 24 और इसको इससे कट कर दिया आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड अभी 20 मीटर पर सेकंड। दूसरे केस, अब बारी आती है किसकी, थर्ड केस, तीसरा। ये तीसरा हमें बुक में नहीं गिवन क्वेश्चन नहीं था लेकिन मैंने इसको अलग से लिख के करवा लूं ताकि आपको बात समझ सके। तीसरे में बोला गया अगर आपकी कार ओ से पी तक जाती है और फिर पी से घूमकर वापस ओ तक आ जाती है, अब बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप बोलोगे जी एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तुम्हारी कार ओ से चली चल के पी तक गई फिर पी से वापस ओ पे आ गई, भाई जहां पहले थे वहीं पे दोबारा पहुंच गए, तो चेंज इन पोजीशन कितनी हुई 0, और यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट है 0 और जो मर्जी टाइम लगाओ आप कुछ लेना देना नहीं है। तो 0 अपॉन टाइम कितना हो गया 0, तो आप बोलोगे सर इस बार एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 है, मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहले भी वही था ऑब्जेक्ट अभी भी वही है, अपनी जगह से चला ही अपनी जगह से पोजीशन में चेंज कर ही नहीं पाया, जहां था वहीं पे गया। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्या होती है वेलोसिटी,
चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी पोजीशन चेंज होती है, आप बोलोगे सर चेंज ही नहीं होगी वहीं पे क्या भी। अब ये बात हमारे सामने, अब एवरेज वेलोसिटी के बाद आप आता है एक पार्ट दैट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो पहले तो आप ओ से पी तक गए तो आप बोलोगे सर ओ से पी तक का डिस्टेंस तय किया, फिर पी से वापस ओ तक आए तो आप बोलोगे फिर से डिस्टेंस तय किया पी से ओ तक। अच्छा ओ से पी तक आने में कितना टाइम लगा, तो टी वन लगा, ये मुझे टी वन लिख दिया। फिर जब ओ से पी तक आने में टी वन टाइम लगा तो पी से वापिस ओ तक जाने में भी कितना टाइम लगेगा, टी वन ही लगेगा। अब आप बोलोगे OP का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 360, और P से O तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, आप बोलोगे सर वो भी 360। T1 और T1 दो तो बार है तो T1 18 और फिर T1 18, आप ऊपर इनको अगर ऐड करना चाहो तो ऐड करो आराम से, 360 कितना हो जाएगा, दैट इज 720, और इसको ऐड करेंगे 18 और 18 कितना होगा 36, आप इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, आप फिर से बोलेंगे मेरा आंसर दोबारा से कितना गया 20 मीटर पर। ये आपका रिजल्ट है। अच्छा अब इस रिजल्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें हम देखें तो एक काम की बात नजर आती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहा था, बिल्कुल ध्यान सुनना, एकदम सीधा चलता गया, मोड़ा नहीं, उल्टा लौट के नहीं आया, बिल्कुल सीधा चला ओ से और कहां तक गया, ओ से पी तक। तो इस केस में जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, लौट के पीछे दाएं बाएं नहीं जा रहा, एकदम सीधा चलता जा रहा है बिना टेंशन बदले, तो उस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी और आपकी एवरेज स्पीड दोनों क्या होगी, बिल्कुल सेम। इसका मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ रहे हो और उसकी वेलोसिटी और उसकी स्पीड बिल्कुल सेम आ गई, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो समझ लेना कि वो जो मोशन कर रहा है वो कैसा कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल बराबर। इस केस में ओ से पी तक गया फिर पी से वापस घूम गया, आपकी बार एवरेज स्पीड तो उतनी रही 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कम होगी कितनी 10, क्योंकि आप डायरेक्शन बदल ली। ऐसे इस केस के अंदर देखोगे एवरेज वेलोसिटी अभी भी 20 है, लेकिन एवरेज स्पीड अभी भी 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो तुम्हें यहां से दिख रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड या तो बराबर हो सकते हैं, या फिर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम, यानी कि हमेशा ना एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से या तो कम हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है। और ये बात हम बड़े आराम से देख सकते हैं कैसे, मैं अभी आपको इस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और अब ये चीज आप लोगों के लिए एकदम क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, मैं यहाँ पर अभी लिख दूंगा कि सिर्फ कर रहा हूँ। हमने यहाँ देख लिया कि एवरेज स्पीड और एवरेज, अब भाई देखो एग्जाम में ना एक नंबर का सवाल, एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये लिख दिया जाता है क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकते हैं, क्या इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, तो आपका जवाब होगा जी हाँ हो सकता है। वो भी पूछेंगे कब हो सकता है, तो आप बोलोगे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता जाए बिना डायरेक्शन बदले, ऐसा नहीं कि गया फिर इधर मुड़ गया या इधर मुड़ गया या पीछे लौट गया, अगर उसने डायरेक्शन बदली तो ये बराबर नहीं होगा। अब वैसे भी आप एक बात समझिए, एस जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको ये बात बताई हुई है, क्या बताया मैंने कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलते हैं पाथ लेंथ, याद चल सकते, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होता है या फिर इसके बराबर हो सकता है। अब मैंने क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट को दोनों साइड पर टाइम से डिवाइड किया, इधर पे टाइम लिख दिया और इधर पे टाइम, आप बोलोगे कोई बात नहीं दोनों साइड पे डिवाइड करने से और इससे देखा तो पता क्या चला,
सर आवाज नहीं आ रही। ओके आवाज नहीं आ रही। ओके ओके एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे भैया आप देखिए जरा, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। ओके ओके ठीक है। ओके तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यही क्या होती है? वेलोसिटी, यही तो होता है फॉर्मूला, यही होता है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपको यहाँ से एक बात पता चली, वो ये पता चली कि जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा स्पीड से कम या उसके बराबर हो सकती है। और वेलोसिटी और स्पीड तभी बराबर हो सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है बिना डायरेक्शन को बदले। फिलहाल यहाँ वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये है इसका मतलब। अच्छा ठीक है, वैसे अब आपको ये बात समझ में आ गई। हम इसके बारे में और आगे के चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड वगैरह क्या है, लेकिन सिंपल वे में यहाँ के हिसाब से बोलें तो बोलेंगे कि वेलोसिटी हमेशा स्पीड से कम होगी या स्पीड के बराबर हो सकती है, बड़ी कभी नहीं हो सकती, वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं आ सकती। और बराबर तब होगी जब दोनों के दोनों कैसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, बिल्कुल जब जब ऑब्जेक्ट कैसी डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, बिना अपनी डायरेक्शन को बदले या फिर बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए। तो ये आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने अभी अभी बोलता सर वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। हाँ बात सही है, ठीक है कुछ हद तक। मैं आपको इसके बारे में आगे आने वाली क्लासेस में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर्स, पूरा चैप्टर उसमें हम इसको थोड़ा ठीक ढंग से समझेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है, वो बात सही है, लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब स्ट्रेट लाइन में हो मोशन, तब। कोई नहीं देखेंगे, चलिए ये आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सर हाँ जी सर, रेफरेंस बुक कौन सी रखनी चाहिए? ओके चलिए एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ।